हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IDBI बैंक के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में, कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए, किस बैंक में आपका पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि IDBI बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों अगर हम सर्विसेज को लेकर के डिस्कस करें तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IDBI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो IDBI बैंक के कर्मचारी काफ़ी अच्छे से कस्टमर्स के साथ में व्यवहार करते होंगे, ये मैं दावे के साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले। वहीं पर अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है कि सर्विस अच्छा नहीं होता है, सर्विस यहां पर भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इनके जो कर्मचारी होते हैं वो 100% में से कहीं 75% कर्मचारी ऐसे आप लोगों को दिखेंगे कि जो कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। बाकी 25% कर्मचारी ऐसे आपको दिखेंगे जो कि कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर IDBI बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। हालांकि IDBI बैंक का इतना ब्रांचेस नहीं होता है जितना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस होता है और जितना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ATMs होता है, तो इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। वहीं पर अगर हम सर्विसेज को लेकर के डिस्कस करें तो यहाँ पर IDBI बैंक नंबर 1 पोजीशन पर होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5,00,000 रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट्स के काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं। दोस्तों आप एक अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ पैन कार्ड और इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके आप इन दोनों ही बैंकों में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अगर आप IDBI बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर IDBI बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर आप FD ओपन करवाने की सोचते हो इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में, तो यहाँ पर IDBI बैंक 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स के बीच में FD के ऊपर 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ
उस टाइम का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को IDBI बैंक में MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में QAB यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को IDBI बैंक में रूरल में 500 रुपये, सेमी अर्बन में 2500 रुपये, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 5000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को रूरल में 250 रुपये, सेमी अर्बन में 500 रुपये, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर आप IDBI बैंक में अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उस शॉर्टफॉल के ऊपर 5% प्लस GST पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो IDBI बैंक में तो आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तब ऐसे केसेस में यहां पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहां पर आप लोगों को ये दोनों ही बैंक वन फाइनेंशियल ईयर में 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में पर लीफ्स यानी कि पर पेज का 5 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर IDBI बैंक में आप लोगों को 0.25 पैसे पर SMS चार्जेस देना होता है पर SMS, वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 15 रुपये प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका SMS कितना आपके नंबर पर आया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होता है। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। दोस्तों अगर हम ATM कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक क्लासिक ATM कार्ड ऑफर करते हैं। क्लासिक वेरिएंट में कोई भी डेबिट कार्ड हो सकता है, वो चाहे तो रुपए हो, चाहे तो मास्टर हो, चाहे तो वीज़ा हो, वो क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ही रहेगा। दोस्तों अगर हम इशुएंस चार्जेस को डिस्कस करें तो IDBI बैंक में आप लोग को 150 रुपये प्लस GST इशुएंस चार्जेस देना होता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इशुएंस चार्जेस बिल्कुल फ्री है यानी कि फर्स्ट टाइम। वहीं पर दोस्तों अगर हम सेकंड यानी कि एनुअल चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के ऊपर IDBI बैंक में आप लोगों को 220 रुपये प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। वहीं पर यूनियन बैंक में आप लोगों को 200 रुपये प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों के ATM कार्ड से पर डे 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, और 50,000 रुपये तक आप ऑनलाइन यानी कि POS, उसको ईकॉम ट्रांजेक्शन भी कहते हैं हम, आप कर सकते हैं। आप इन दोनों ही बैंकों में 50,000 रुपये तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप यहां पर IDBI बैंक के ATM से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के ATM से आप इन दोनों ही बैंकों का ATM कार्ड ले जा करके अगर किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, मेट्रो सिटी में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में रिव्यू करके देखा तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि IDBI बैंक का सर्विस गुड है। वहीं पर IDBI बैंक मिनिमम बैलेंस चार्जेस ज़्यादा ले रहा है, जबकि यूनियन बैंक काफ़ी लो चार्जेस ले रहा है। तो यहाँ पर दोनों में यहाँ पर माइनस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर IDBI बैंक का एक ये माइनस पॉइंट है, तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आप लोगों को कम से कम मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों चेकबुक को अगर हम डिस्कस करें तो चेकबुक दोनों ही बैंकों में सेम है। वहीं पर दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट को देखें तो SMS अलर्ट चार्जेस यहां पर एक हिसाब से IDBI बैंक का ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर IDBI बैंक ने लिमिट नहीं बताया है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट बताया है। और एक हिसाब से दोस्तों यहां पर मिनिमम बैलेंस में यूनियन बैंक में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, वहीं पर IDBI बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस है, तो यहां पर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंट है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को IDBI बैंक में इशुएंस चार्जेस देना होता है और यहाँ पर यूनियन बैंक में इशुएंस चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्लस पॉइंट ये भी एक है। इसके अलावा यहाँ पर लिमिट दोनों बैंकों का सेम है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एनुअल चार्जेस को देखें तो एनुअल चार्जेस में IDBI बैंक का 220 है तो यहाँ पर 200 है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो बस एक चीज़ सही है IDBI बैंक का, कि IDBI बैंक का सर्विस गुड है। इसके अलावा IDBI बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सभी का सभी सेम है। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।